चार्ज नहीं देना होगा। और उसके बगल में इस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। चलते हैं आज की वीडियो पे। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत 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 ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ाएं बिना किसी ऐप के। जी हाँ दोस्तों, चाहे सिम कार्ड यूज कर रहे हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे एयरसेल हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे जो भी हो, चाहे जियो, कोई भी मतलब कोई भी सिम कार्ड हो, आप अपने इंटरनेट स्पीड को दोगुना कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं बिना किसी ऐप के अपने किसी भी सिम कार्ड के इंटरनेट की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, तो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आज आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मेनू पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली आपको अगर सैमसंग का मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट का ऑप्शन होगा, ऐसा इंटरनेट लिखा हुआ वाला एक ब्राउजर होगा जो कंपनी खुद देती है डाउनलोड। अगर आप कोई और मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप वाले में ब्राउजर रहेगा। यहाँ पे मैं सैमसंग गैलेक्सी J76 इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मेरे में इंटरनेट का ऑप्शन है, लेकिन रहता सब में सेम वैसे ही है, या इंटरनेट लिखा रहेगा या तो ब्राउजर लिखा रहेगा। तो आपको सिंपली जो कंपनी की तरफ से ब्राउजर दिया हुआ है आपको उस पर ही क्लिक करना है। जैसे मेरे में उसने इंटरनेट दिया हुआ है, मैं इंटरनेट पर ही क्लिक करूंगा। चलिए सबसे पहले मैं इंटरनेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंटरनेट पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ दोस्तों। यहाँ पर राइट साइड कोने में देखेंगे तो एक मोर का ऑप्शन लिखा हुआ है, मोर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, पहले वाले ऑप्शन सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हमने उस पर क्लिक किया हमारे सामने फिर काफी सारे ऑप्शन आ गए दोस्तों। अब आपको यहाँ पांचवें नंबर वाले ऑप्शन प्राइवेसी पर क्लिक करना है। चलिए हम प्राइवेसी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से काफी सारा ऑप्शन आया, फिर हमें चौथे वाले ऑप्शन डिलीट पर्सनल डाटा पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर देखेंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफी सारे पहले से टिक है, यहाँ पर आप सारे टिक हटा देंगे। हमने हटा दिए सारे टिक, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज पर क्लिक रहने देना है, कैसे पर ये दूसरे पर क्लिक कर रहने देना है, बाकी सब पे हटा देना। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ नीचे पर डिलीट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा कैसे ऑटोमेटिकली सारा कैसे डिलीट हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद में अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे डिलीट हुआ तो हमारा क्या फायदा हुआ दोस्तों, आपका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो कैसे एक ऐसी फाइल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फोन में जो हमने ओपन किया है, जो हमने यूज किया है। उसके बाद में जैसे हम कैसे को डिलीट करते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे फोन स्टोरेज को यूज करता रहता है, यानी कि हमारे वेबसाइट जो खुली रहती है वो यूज करता रहता है, और जैसे हम उसको डिलीट करते हैं सारी फाइल्स वो हट जाती हैं और सिर्फ वही फाइल चलती हैं जो हम यूज करना चाहते हैं। और इससे आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है और इससे आपकी इंटरनेट स्पीड दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों ये ट्रिक कोई भी सिम कार्ड हो, सब सिम कार्ड पर काम करेगा, चाहे आइडिया हो, चाहे वोडाफोन, चाहे एयरटेल, चाहे बीएसएनएल, चाहे जियो हो, कोई भी सिम कार्ड हो, चाहे रिलायंस हो, कोई भी हो, मतलब कि सारे सिम कार्ड पर ये ट्रिक काम करेगी। और उसके बाद में दोस्तों और एक बात और आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपने सिम जैसे मान लीजिए आप जियो में अपना इंटरनेट यूज करते हैं या आइडिया अपना इंटरनेट यूज करते हैं, अगर आपका जियो या आपका आइडिया सिम 2 में लगा दोस्तों, खास करके आप उसे 1 में लगाइए, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट 1 से ज्यादा कनेक्शन होता है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपका सिम अगर आप आईडिया से यूज कर रहे हैं, अगर आप आईडिया 2 में लगा हुआ है तो आप उसे 1 में कर दीजिए, इससे आपकी इंटरनेट स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल टेक हेल्प सब्सक्राइब करने के लिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ।